सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में इच्छा मृत्यु को लेकर जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें बदलाव को लेकर तैयार हो गया है। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान स्टीफन हॉकिंग और माइकल शुमाकर का जिक्र भी हुआ। दरअसल साल 2018 में तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी। अब इन गाइडलाइंस में संशोधन की मांग को लेकर एक याचिका दायर हुई है, जिस पर जस्टिस के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा है कि सरकार को एक कानून बनाना चाहिए ताकि गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज अपना इलाज रुकवा सके और इच्छा मृत्यु ले सके। हालांकि अदालत 2018 की गाइडलाइन में संशोधन की तैयार हो गई है। इसी दौरान जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का जिक्र किया। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अरविंद दतार ने माइकल शुमाकर की बात भी छेड़ी। माइकल शुमाकर 7 बार के फॉर्मूला 1 रेसिंग कार के चैंपियन हैं और दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस हैं। आखिरकार कोर्ट में इन दोनों महान शख्सियत का जिक्र करने की जरूरत क्यों पड़ी? जस्टिस अनिरुद्ध बोस मेडिकल साइंस की तरक्की के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हम स्टीफन हॉकिंग का करियर देखें तो बहुत पहले ही उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। दरअसल स्टीफन हॉकिंग एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिससे उनके शरीर के कई हिस्सों पर लकवा मार गया था। 14 मार्च 2018 को 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। वो एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से जूझ रहे थे। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अरविंद दतार ने कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो 21 साल बाद ठीक हुआ था। उन्होंने कहा, माइकल शुमाकर की तरह वो भी कोमा में है। हम नहीं जानते कि क्या होगा। अगर कुछ स्टेम सेल उसे फिर से जीवित कर देंगे तो वो अब भी जिंदा है। इस पर बेंच ने कहा, एक आम इंसान के लिए जो गंभीर बीमारी है वो माइकल शुमाकर के लिए गंभीर बीमारी नहीं है। 5 जजों की बेंच में जस्टिस के एम जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस के अलावा जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस पी टी रवि कुमार शामिल हैं। माइकल शुमाकर का दिसंबर 2013 में खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद वो कई महीनों के लिए कोमा में चले गए थे। क्या था सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिसमें संशोधन की बात की जा रही है? 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यक्ति को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और लंबे समय से बेहोश है तो वो लिविंग विल तैयार कर इलाज से मना कर सकता है और गरिमा के साथ मर सकता है। कोर्ट ने इसके लिए पैसिव यूथेनेसिया शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब था किसी बीमार व्यक्ति का इलाज रोक देना ताकि उसकी मौत हो जाए। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने इच्छा मृत्यु पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि ये तब तक लागू रहेंगी जब तक संसद इस पर कोई कानून नहीं बनाती। ये फैसला कॉमन कॉज नाम के एक एनजीओ की ओर से दाखिल याचिका पर आया था। इसमें एनजीओ ने मरणासन्न मरीजों के इच्छा मृत्यु की इजाजत देने की मांग की थी।